आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, और इसको समझने के लिए हम लोग कुछ एनालॉग का प्रयोग करेंगे, मैकेनिकल एनालॉग। देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको समझने के लिए आप सबसे पहले हम लोग मैकेनिकल जो एक्टिविटी है उसको देखें। अगर मान लिया जाए कि कोई पाइप से, कोई ट्यूब से अगर वाटर फ्लो कर रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूड, अगर हम लोग बात करें फ्लो ऑफ फ्लूड या रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, तो ये क्या होता है? वॉल्यूम बाय टाइम होता है। वॉल्यूम क्रॉसिंग द एरिया इन यूनिट टाइम। तो देखिए, फ्लक्स उसी तरह का चीज है, फ्लो करता है वहां पर। जैसे वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, और यहां हम लोग रेट ऑफ फ्लो लिक्विड फ्लूड की बात कर रहे हैं, लिक्विड की बात कर रहे हैं। इसी को आप लिक्विड बोल सकते हैं। देखिए यहां पर, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। अगर मान लिया कि एक क्रॉस सेक्शन हम ले यहां पर, ये वॉल्यूम जो है, ये स्ट्रिप जो है आपका फ्लो कर रहा है। तो अगर स्पीड अगर इसका वी हो तो कितना होगा? वी डी टी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये। तो वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? ए एरिया को हम लोग डीएस ले सकते हैं, एरिया ले सकते हैं। तो कितना हो जाएगा वॉल्यूम? वी डी टी और इनटू डीएस हो जाएगा, और नीचे में टाइम डी टी है। देखिए ये कट जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका फ्लूड फ्लक्स, इसको कह सकते हैं फ्लूड फ्लक्स कहा जा सकता है इसको। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर वी डीएस लिख सकते हैं। देखिए ये भी एक फ्लक्स हो गया। देखिए यहां पर अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, वी डॉट डीएस, और इसको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वेक्टर होगा। देखिए इसको हम लोग डिफाइन करें, इसी का हम लोग एनालॉग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसी में पढ़ने जा रहे हैं। यहां पर ई हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो करता है, और ये आपका डीएस हो जाएगा। देखिए यहां पर वेक्टर डायरेक्ट इसको हम लिख सकते हैं, डीएस एन को हम लोग लिख सकते हैं, एन कैप को डीएस वेक्टर लिख सकते हैं। देखिए यहां पर तो इसी की हम लोग पढ़ाई करना है यहां पर। तो चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर। इसका डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि द टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवेन एरिया, इसी को कहते हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब देखिए यहां पर ध्यान देना है आपको कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग डिनोट करते हैं फाई से, और हम लोग जानेंगे कि स्केलर क्वांटिटी है ये, स्केलर होता है, ये स्केलर अदिश राशि होता है। तो यहां पर देखिए हम लोग एक सर्टेन एरिया ले रहे हैं। देखिए यहां पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये, तो आपको एक बात ध्यान देना होगा कि स्ट्रेंथ जितना इलेक्ट्रिक फील्ड का अधिक होगा उतना ही फ्लक्स ज्यादा होगा। जैसे वाटर जितना ज्यादा होगा उतना ही फ्लो, उसका फ्लक्स जो है ज्यादा होगा। तो यहां पर फाई जो है आप देख सकते हैं प्रोपोर्शनल टू ई हो जाएगा, एक इक्वेशन। अब अगर हम बात करें एरिया की, बात करें इसमें एरिया का, एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन हम और लेते हैं यहां पर, इस एरिया को ए वन कह दे और ये ए टू कह दे। आप देख सकते हैं ये छोटा एरिया है तो एक लाइन पास कर रहा है, ऐसे नंबर ऑफ लाइन्स तो हम लोग गिन नहीं रहे, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग कंसिडर कर रहे हैं
देखिए ये छोटा क्रॉस सेक्शन है तो इसे कम इलेक्ट्रिक लाइन पास करा है, जबकि बड़ा क्रॉस सेक्शन है तो ज्यादा पास करा है। दैट मीन्स क्या हुआ, ये फाइव प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पर कि ये जो आपका एरिया है इसका डायरेक्शन किधर होगा, एन कैप इधर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर है। तो आप देख सकते हैं यहां पर जब दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो आप देख सकते हैं फाई का क्या होगा मान, मैक्सिमम हो रहा है। देखिए यहां पर मैक्सिमम होगा जब थीटा का मान, तो देख सकते हैं यहां पर यहां क्या हो जाएगा, फाई मैक्सिमम हो जाएगा। अगर एक एग्जांपल हम लोग ऐसा लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह है और एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे लेते हैं, इस तरह हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये और इसका जो एरिया का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, इसका फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका फील्ड का डायरेक्शन। तो ये देखिए 90 हो गया, तो यहां पर फ्लक्स मिलता है हम लोग को 0। अगर थीटा 90 हो तो फाई क्या होगा, मिनिमम मिलता है, या फाई कह दे कि डायरेक्ट 0 मिलता है। तो आप देख सकते हैं थीटा पर भी डिफाइन करता है, तो इसको फाई प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ये सारा ऑब्जर्वेशन के बाद कॉस के फॉर्म से रिलेट होता है। तो अगर तीनों को मिला दी तो फाई इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल टू ई ए कॉस थीटा। और यहां पर अगर प्रोपोर्शनलिटी को तोड़ेंगे तो 1 आता है ई ए कॉस थीटा और ये पूर्णतः डिफाइंड होता है। अब देखिए इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा। इसको इस तरह भी आप लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख रहे हैं, देखिए स्केलर फॉर्म में आप डिफाइन कर सकते हैं, फाइ इजकल टू ई ए कॉस थीटा को लिख सकते हैं फाइ ई डॉट ए। अब इससे जो भी हमने आपको रिजल्ट यहां पर बताया था सेटिस्फाई कर देगा ये। तो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हो गया यहां पर, और ये क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर, और ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसका यूनिट अगर हम निकाले फाई का तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ये भी यूनिट हो जाएगा। जनरली हम लोग एसआई में इसका प्रयोग करते हैं, और यूनिट संभव है देखिए यहां पर अगर हम लोग वोल्ट वोल्ट बाय मीटर कर दें और एरिया को मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर भी आपको मिलेगा देखने के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा का तो कोई यूनिट होता नहीं है, तो ये भी आपको क्वेश्चन वगैरह में मिल जाएगा इस तरह। अब एक एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल अगर मान लिया जाए ई वेक्टर दिया हुआ है 4i+3 की और डीएस दिया हुआ है आपका, डीएस यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में ही दे देते हैं आपको, 4j 3j+4। आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये निकालना है, ट्राई करके देखेंगे कितना होगा। तो फाइव इक्वल टू ई डॉट डी एस हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आई डॉट जे 0 होगा, आई डॉट के 0 होगा, के डॉट जे 0 होगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, कितना होगा, फाइव इक्वल टू हो जाएगा 12 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, या लिख सकते हैं 12 वोल्ट मीटर। अब हम लोग क्लोज सरफेस की बात करते हैं, क्लोज सरफेस में किस तरह हम लोग लेते हैं, देखिए यहां पर कोई भी क्लोज सरफेस हम लोग चूज कर सकते हैं आर्बिट्री शेप का। जैसे मान लिया जाए एक शेप,
ये देखिए हम लोग इस तरह ले रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं फार सोर्स है, यहां पर बहुत दूर सोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। ये देखिए आप इस तरह आ रहा है। देखिए इसके लिए कैसे हम लोग फ्लक्स निकालेंगे। देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, कहीं दूर इसका सोर्स है, कहीं दूर इसका सोर्स है। देखिए अब देखिए यहां पर अगर मान ली यहां पर हम लोग छोटा, देखिए जब भी अगर ऐसा क्लोज सरफेस आता है तो हम लोग छोटा छोटा एलिमेंट लेंगे यहां पर इस तरह। देखिए यहां पर ये आपका यूनिट वेक्टर एरिया का ले लिया है ना, या एन कैप के द्वारा दिखा सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और एरिया वेक्टर उसके बीच में थीटा क्या होगा, तो लेस देन 90 डिग्री है। यहां भी एक ले लें, इस तरह छोटा छोटा बहुत सारा एलिमेंट लेकर के किया जाता है। देखिए ये आपका एन कैप और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये थीटा हो गया आपका लेस देन 90 डिग्री। तो जो आउटवर्ड फ्लक्स होगा यहाँ पर, आउटवर्ड जो फ्लक्स होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है। अब इनवर्ड की बात करते हैं, यहां भी एक छोटा सा लेंगे, ये आपका एन कैप हो गया। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह डायरेक्शन है, तो ये जो थीटा होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। फिर उसी तरह हम लोग कंसिडर करेंगे यहां पर, यहां पर हो गया एन कैप। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख सकते हैं आप, यहां पर इस तरह है। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, ये थीटा सबटेंड कर रहा है, ग्रेटर 90 होगा। तो आप देख सकते हैं जब फाइव इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा, तो थीटा का मान अगर 90 से बड़ा होगा तो जो इनवर्ड फ्लक्स होगा, इनवर्ड जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। तो देखिए किसी भी क्लोज सरफेस में, कोई भी क्लोज सरफेस हो, अगर इसके अंदर कोई चार्ज इनक्लोज नहीं हो रहा है, चार्ज इनक्लोज अगर जीरो, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई हो रहा है वो फार सोर्स के द्वारा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फार सोर्स, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर पॉजिटिव है और इधर निगेटिव है, तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस। देखिए क्लोज इंटीग्रल का मतलब हुआ पूरे छोटे छोटे का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये बात समझना है, एक बात ध्यान देना है कि कहीं भी अगर क्लोज सरफेस हो और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर फार सोर्स के द्वारा अप्लाई किया जा रहा है, तो या तो ध्यान रखना है यहाँ पर इधर आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इनवर्ड फ्लक्स क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहां पर ये जो क्लोज सरफेस है, अगर इसके द्वारा कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया गया हो और ई जो है एग्जिस्ट कर रहा ड्यू टू फार सोर्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो क्या होगा, क्लोज सरफेस के लिए जीरो लिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और यूनिट याद रखना है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इस बात को ध्यान रखना है। और नॉर्मली हम लोग कैसे निकालते हैं इसको भी हम लोग देखें, एक छोटा सा टॉपिक है जो गॉस थ्योरम के लिए मुख्य रूप से ये उपयुक्त होता है। अगर इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो गॉस थ्योरम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आप पढ़िएगा, देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और इसमें कोई भी और चीज क्वेश्चन आपको बनता है तो आप हमें बताएंगे, हम उसका डिस्कस कर देंगे। एक तरह से ये आप समझ सकते हैं कि जो लिक्विड फ्लक्स हुआ, फ्लूड जो फ्लक्स हुआ, उसका एक तरह से इलेक्ट्रिक एनालॉग है यहाँ पर, इससे आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि क्लोज सरफेस का आपका पहले पाइप ले ले, इससे वाटर फ्लो कर रहा है, तो ये फ्लक्स वहां भी आप फ्लूड फ्लक्स कहा जाएगा। उसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो जो वहां से निकलता है सर्टेन गिवेन एरिया में व्हेन प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड लाइन्स, तो ये जितना लाइन्स निकलेगा वहां पर तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। तो ये दो सिमिलरिटीज है और इसको निकालने का तरीका आप देख ही रहे हैं कैसे निकालते हैं, तो इस तरह हम लोग निकालते हैं। तो थैंक्स टू ऑल।